नमस्कार, आप सभी का लेक्चर बाय फैकल्टी ऑफ द मंथ ऑफ MDNAY में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे संस्थान के निदेशक महोदय के प्रयास से हमने एक नई शुरुआत की थी, जिसमें हर माह के अंतिम दिन हम संस्थान के ही किसी फैकल्टी मेंबर को नामांकित करते हैं और वो हमें किसी एक विषय पर व्याख्यान देते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे, सहायक आचार्य संस्कृत, मौजूद हैं और मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। सर, आज हमें द योगा ऑफ भगवत गीता पर व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि हमारे संस्थान की परंपरा है, हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं, तो आइए प्रार्थना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जहाँ तक आज के हमारे वक्ता का परिचय है, उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि जो अर्पित सर हैं, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। सर को लगभग 10 वर्षों का शैक्षणिक अध्यापन और अनुसंधान का अनुभव है और ये हमारे लिए एक हर्ष का विषय है कि सर द योगा और भगवद गीता पर व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं एक बार पुनः सर का स्वागत करती हूँ और सर से अनुरोध करती हूँ कि हमारे दर्शकों को द योगा ऑफ भगवत गीता पर व्याख्यान दें। सर नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सभी जितने भी श्रोतागण और जितने भी दर्शक आज के इस व्याख्यान में फेसबुक माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं हमारे संस्थान के माननीय निदेशक महोदय डॉक्टर आईबी बसवा रेड्डी सर। उन्होंने इस माह के संकाय सदस्य के रूप में मुझे नामित किया कि मैं अपने विचार आप सबके साथ साझा कर सकूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज का जो व्याख्यान का चर्चा का विषय है वो है द योगा ऑफ भगवत गीता, अर्थात भगवत गीता में योग का स्वरूप। हमारे आज के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, आप में से अधिकतर लोग भगवत गीता से परिचय होंगे। ये अगर हमें भारत की संस्कृति, सभ्यता, भारत का दर्शन, चित्त चेतना, चरित्र को समझना है तो अनेकों ग्रंथ हैं, उसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका नाम है भगवत गीता। भगवत गीता बेसिकली एक दर्शन का ग्रंथ है। इट इज अ फिलोसफिकल टेक्स्ट ऑफ सांख्य योग एंड वेदांत। दर्शन की तीन परंपराओं को ये समाहित करता है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। भगवत गीता के बारे में विशेष रूप से ये जानना जरूरी है कि ये कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल टेक्स्ट नहीं है, सेपरेट टेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये महाभारत, एक बहुत प्रसिद्ध संस्कृत का महाकाव्य है, उसका ही एक भाग है, उसका एक पार्ट है। अर्थात महाभारत के भीष्म पर्व में 18 अध्याय है, अर्थात 25 से 42 के बीच में जो 18 अध्याय है, इन्हीं को हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। भगवत गीता का जो पूरा कलेवर है वो संवाद के माध्यम से, वो एक कन्वर्सेशन फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में भी इस ग्रंथ को जाना जाता है। हम योग की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो भगवत गीता का एक नाम ही है योग शास्त्र। योग शास्त्र से तात्पर्य है कि योग का पारंपरिक ग्रंथ और प्रामाणिक ग्रंथ, मीन्स भगवत गीता इज एन ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस।
तो अगर आपको योग दर्शन को समझना है और योग के अभ्यास का या उसके प्रायोगिक पक्ष को समझना है तो आपको भगवद गीता का अध्ययन करना ही होगा, जो योग के मूलभूत ग्रंथ हैं, जिनको हम बेसिक टेक्स्ट ऑफ योगा फिलोसफी प्रैक्टिसेस थेरेपी कहते हैं, उसमें उपनिषद है, भगवद गीता है, योग सूत्र है, हठयोगीपिका इत्यादि ग्रंथ है, तो उन सारे ग्रंथों की परंपरा में भी भगवद गीता का प्रमुख स्थान है। दूसरा, भगवद गीता का योग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्व ये है कि योग की दो परंपराएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है सांख्य योग की परंपरा और दूसरी है वेदांत योग की परंपरा। अब बहुत सारे दर्शक ये नहीं जानते होंगे कि सांख्य योग क्या है और वेदांत योग क्या है, लेकिन जो इसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट आप सब जानते होंगे, जैसे हम जिसको हम राजयोग, अष्टांग योग या ध्यान योग कहते हैं, बेसिकली ये सांख्य योग परंपरा का अभ्यास है। इसी तरह से वेदांत योग क्या है, तो वेदांत योग को हम सरल शब्द में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग कहते हैं। किस तरह से ये चारों जो योग हैं, ये भगवद गीता एकमात्र पुस्तक है जिसमें चारों योगों का संकलन है, अर्थात सांख्य योग की परंपरा का जो ध्यान योग है उसका भी संकलन है और वेदांत की परंपरा में जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है उनका भी संकलन है। इस तरह से भगवद गीता का जो एक बहुत प्रसिद्ध नाम है योग शास्त्र, उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि इसमें योग के जो चार प्रमुख प्रकार हैं, फोर मेजर टाइप्स ऑफ योग है, उनका इसमें बड़े विस्तार से विश्लेषण किया गया है। अब उसका रिफरेंस अगर हम देखना चाहें तो भगवद गीता का जो 13वां अध्याय 13th chapter का 24th श्लोक है, उसमें कहा गया है ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अर्थात कि योग का जो अंतिम लक्ष्य है या जिसको हम कहें द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज अ स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी का जो गोल है वो क्या है, तो सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई। इसका जिस दिन हमें एग्जैक्ट आंसर मिल गया तो उसी को हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का, ये कहता है कि उस आत्म साक्षात्कार के लिए, उस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, हु एम आई इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लोग अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हैं, अलग अलग वे में एफर्ट पुट करते हैं, अलग अलग तरह के अभ्यास करते हैं। तो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित्, कुछ लोग ध्यान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो ध्यान योग का मार्ग है उसको हम अष्टांग योग के रूप में भी जानते हैं, तो कुछ लोग अष्टांग योग के मार्ग से जाकर के आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव करते हैं। केचित आत्मानम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। दूसरे लोग हैं वो सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का अनुसरण करके अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग योगेन शब्द का तात्पर्य यहाँ भक्ति योग है, कुछ लोग भक्ति के द्वारा उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं और कुछ लोग कर्म के द्वारा। इस प्रकार से चार कह सकते हैं हम व्यापक पाथ है, चार व्यापक मार्ग है आत्म साक्षात्कार के, सेल्फ रियलाइजेशन के। तो एक ध्यान योग हो गया, दूसरा सांख्य योग हो गया, तीसरा भक्ति योग हो गया, चौथा कर्म योग हो गया। तो ये चारों प्रकार के योग है। अब जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि कोई कर्मयोग से मुक्ति प्राप्त करता है या मोक्ष प्राप्त करता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है, सेल्फ अपग्रेडेशन करता है, कोई भक्ति योग से करता है, कोई कर्मयोग से, कोई ध्यान योग से, कोई ज्ञान योग से, तो इसमें एक बड़ा प्रश्न जो हमारे मनोमस्तिष्क में आता है वो ये है कि क्या किसी एक योग का हम अनुसरण करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, या जो जिस अध्यात्म साधना की हम बात करते हो, क्या हम किसी एक को करके कर सकते हैं या चारों को हमें करना पड़ेगा, या किसी दो को कर ले। तो दो तरह के मत है इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि आप किसी भी योग को कर लीजिए, आप वो अगर आप कर्मयोग का अनुसरण करते हैं तो कर्मयोग अपने आप में परिपूर्ण है, आपको दूसरे योग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कर्मयोग से मात्र से कुछ नहीं होगा, हमें चारों प्रकार के योग का अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या समझे, हम इसमें क्या कंक्लूजन निकले, तो इसको लेकर के जो एक कह सकते हैं जो सिद्धांत पक्ष है वो ये पक्ष है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इंडिविजुअली ना तो ज्ञान योग का अभ्यास कर सकता है,
ना कर्म योग का, ना भक्ति योग का, ना ध्यान योग का। अर्थात अगर आप कहें कि मैं सिर्फ कर्म योग कर रहा हूं तो ये संभव नहीं, अगर आप कहें मैं सिर्फ भक्ति योग कर रहा हूं तो ये भी संभव नहीं। तो क्या है, ये चारों समन्वित है, ये चारों इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट। अगर आप कर्म योग कर रहे हैं तो कर्म योग के साथ ही आपका ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग हो रहा है। अगर आप ध्यान योग कर रहे हैं तो वहां पे भी कर्म, भक्ति, ज्ञान सब कुछ वहां पर समन्वित है। तो आखिर कैसे, किस मार्ग का हम अनुसरण करें, इसमें जो बहुत अच्छा व्यू है श्री अरविंदो का, एक बहुत बड़े दार्शनिक और योगी हुए, उन्होंने कहा सिंथेसिस ऑफ योग। सिंथेसिस ऑफ योग मतलब चारों योग का हमें एक साथ अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो उसके पीछे का उनका जो तर्क है कि हम, हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व ऐसा बना है कि जब तक हम चारों योग का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे पर्सनालिटी या हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं होगा। वो चाहे जानने की शक्ति के रूप में हो, मानने की शक्ति के रूप में हो, करने की शक्ति के रूप में हो, तो द पावर टू डू, द पावर टू एक्सेप्ट, द पावर टू नो, द पावर टू बी, तो बोले ये चारों मिलकर के ह्यूमन बीइंग या हम एज ए इंडिविजुअल बनते हैं। तो हमें चारों योग का समन्वित रूप से अभ्यास करना है। तो अब एक प्रश्न मन में आ सकता है कि फिर कोई कहते हैं कि साहब नहीं, वो तो अमुक व्यक्ति ने जो भक्ति योग मात्र का ही अभ्यास किया, तो ये होता ना कि हम किसी की प्रधानता कर देते, किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा दे देते, लेकिन ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और जब आप एक का अभ्यास कर रहे हैं तो दूसरा अभ्यास ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो चारों प्रकार के योग, ये चारों मार्ग इक्वली इंपॉर्टेंट है, और चारों का जब हम अनुसरण करेंगे तभी हम पूर्णता मुक्त हो पाएंगे, पूर्णता हम उस आत्म तत्व का अनुसरण कर पाएंगे। अब देखते हैं, तो बाद में इन चारों को दो कैटेगरी में रखा गया, ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान को दो कैटेगरी में रखा गया। एक कैटेगरी बना दी गई कर्मयोग की, दूसरी बना दी गई ज्ञान योग की। लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुनः प्रोक्ता मया न घ ज्ञान योगेन सांख्य कर्म योगे योगिना। अर्थात कुछ लोग हैं जो कर्मयोग का अनुसरण करते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग का। तो जो कमेंटेटर है, जो व्याख्याकार, उन्होंने कहा कि जो एक्सट्रोवर्ट है वो लोग तो साहब कर्मयोग का अभ्यास करते हैं, और जो इंट्रोवर्ट है वो ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं। ऐसे करके इसका एक समन्वय करने का प्रयास किया है। इस सारी चर्चा का जो सारांश है, जो कंक्लूजन है, वो ये है कि भगवद गीता में चारों प्रकार के योग का वर्णन है, चारों प्रकार के योग इक्वली इंपॉर्टेंट है, और चारों प्रकार के योग का कलेक्टिव अभ्यास किया जाता है। ये यहाँ पर हम ऐसे कुछ पॉइंट्स अपने मनोमस्तिष्क में हम रख सकते हैं। अब चलते हैं, तो भगवद गीता में सबसे पहले जब आप कहेंगे कि भगवद गीता एक योग शास्त्र है, तो जो पहला प्रश्न मन में आएगा कि व्हाट इज योग, योग है क्या, तो भगवद गीता इसको बड़े विस्तार से इसको इसकी व्याख्या करती है कि योग क्या है। इसमें लिखा है यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम पश्यन्नात्मनि तुष्यति। तो योग क्या है, उन्होंने कहा कि जब हमारा चित्त उपरम हो जाए, तो चित्त क्या है, तो चित्त को हम सामान्य शब्दों में मन समझ लें, और उपरम, तो उपरम का मतलब होता है नियंत्रण, कंट्रोल। तो जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाएगा, उस अवस्था को योग कहा गया। सेल्फ कंट्रोल स्टेट ऑफ द माइंड कॉल द योग, जब मन स्वयं ही नियंत्रित हो जाए। तो अब इस श्लोक में, ये जो श्लोक में आपके सामने रख रहा हूँ, ये छठे अध्याय का 20वां श्लोक है। इस श्लोक में योग को दो रूप में प्रस्तुत किया गया है, योग साधन भी है और योग साध्य भी है। तो जब हम साधन की बात करते हैं मतलब योगा इज अ मीन्स, और साध्य की बात करते हैं तो मतलब योगा इज अ गोल। अब मीन्स और गोल के बीच में क्या रिलेशन है, तो यत्र परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम पश्यन्नात्मनि तुष्यति। मतलब मन को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है, जो टेक्निक है, जो मेथड है, मेथोडोलॉजी है, उस प्रक्रिया को योग कहा गया। मन को नियंत्रित, प्रबंधित, अनुशासित करने की जो प्रक्रिया है या जो तकनीक है, उस तकनीक को योग कहा गया। एक ये है साधन, योगा इज अ प्रोसेस ऑफ माइंड मैनेजमेंट। सेकेंड, योग क्या है, तो मन की नियंत्रित अवस्था, अ कंट्रोल्ड स्टेट ऑफ द माइंड कॉल्ड द योग। तो योग का लक्ष्य क्या है, हम उस अवस्था में पहुंच जाए जहां मन हमारा नियंत्रित हो जाए। अब नियंत्रित कहते हमें लगता है ना कि हमें मन को बहुत ज्यादा मार के रखना है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना है। तो यहाँ नियंत्रण, यहाँ डिसिप्लिन या कंट्रोल शब्द से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ नियंत्रण से तात्पर्य है
कि मन की दो गतिविधियां हैं, मन हमें अपग्रेडेशन की तरफ भी ले जाता है और मन हमें डिग्रेडेशन की तरफ भी ले जाता है। इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। तो मन की जो वृत्तियां वो क्लिष्ट की तरफ भी है और अक्लिष्ट की तरफ भी। तो क्लिष्ट मतलब डिग्रेडर है ना, पतन की तरफ, और अक्लिष्ट मतलब उत्थान की तरफ। तो मन स्वाभाविक रूप से विचारों के माध्यम से, कल्पनाओं के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से और भावनाओं के माध्यम से या तो हमें उत्थान की ओर ले जा रहा होता है या हमें पतन की ओर ले जा रहा होता है। तो जब हम बात करते हैं कि मन के नियंत्रण की जो विधि है वो योग है या नियंत्रित मन की अवस्था योग है, तो यह नियंत्रण से तात्पर्य क्या है? तो नियंत्रण से तात्पर्य यह है कि जो ये टू वे हमारा हाईवे, इसमें हम अपग्रेड भी हो सकते हैं, डिग्रेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ नियंत्रण का तात्पर्य इसको वन वे बना दें कि मन हमारा जब भी चाहे विचार के स्तर पर कार्य करेगा, चाहे स्तर पर कार्य करेगा, वो कहाँ करेगा? अपग्रेडेशन के लिए ही करेगा। तो जो डिग्रेडेशन की तरफ, जो अधोपतन की तरफ हमारी मनोवृत्तियां हैं, वो मनोवृत्तियों को शांत कर देना, और उसके फिर बहुत सारे उपाय बताएंगे। किस तरह से भगवत गीता में योग को डिफाइन किया गया है कि योग मन को प्रबंधित करने की विधि है और मन की प्रबंधित अवस्था योग है। तो जब दो में पाथवे है, आना और जाना दोनों है, अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन दोनों संभव है, तो उस समय क्या किया योग ने, जो डिग्रेडेशन वाली पाथवे उसको रोक दिया। अब मन के पास एक ही पॉसिबिलिटी के मन एक ही तरफ जाएगा। जब हम वन वे में कहीं रोड में जा रहे होते हैं तो वहां पे दूसरा आप वहां लौट नहीं सकते, आप जा रहे हैं तो आपको सीधे ही जाना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, तो फिर हमें बार बार सतर्क होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां वन वे है, सिर्फ जाने जाने का ही उपाय है, अपग्रेड करने मात्र का उपाय है, डिग्रेडेशन की वहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब जिस दिन ये संभव हो जाता है, तो जैसे हम सब जानते हैं कि जब आप किसी मशीन का प्रयोग करें या कोई काम को करें तो दो मोड होते हैं, एक मैनुअल होता है, एक ऑटो मोड होता है। तो बेसिकली जब आप मन को बार बार अपग्रेडेशन की तरफ ले जाते हैं तो आप मन को मैनुअली अपग्रेड की तरफ ले जाते हैं, लेकिन मन को हम इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं योग के अभ्यास के द्वारा कि मन हमारा ऑटो मोड में चला जाए। ऑटो मोड में चला जाए मतलब उसको जो अपग्रेडेशन की तरफ जाना है सिर्फ उसी की वो। फिर योग की एक और डेफिनेशन हमें भगवत गीता में मिलती है कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो योग क्या है? तो जो जीवन के दुख है उनसे पूर्ण वियोग हो जाना ही योग है। तो योग का अर्थ हम करते हैं यूनियन। तो यहाँ यूनियन क्या है कि जितने भी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम है, पेन है, सफरिंग है, सोरो है, इन सबसे डिस्कनेक्ट हो जाना। तो डिस्कनेक्ट होने की प्रक्रिया क्या है? तो उस प्रक्रिया के बारे में कहा गया दृष्टा भाव। जगत को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, बाह्य जगत हमारे बहुत ज्यादा नियंत्रण में नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम दृष्टा भाव अपने अंदर लेके आ जाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की एक स्टेट, हायर स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, तो हम क्या कर पाएंगे? तो हम बाह्य दुखों से विचलित नहीं होंगे। सुख और दुख ये बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु किसी के लिए सुख का कारण हो सकता है, तो वही चीज किसी के लिए दुख का भी कारण हो सकता है। अगर आपका कोई मित्र है तो वो आपका मित्र है तो आपके लिए सुख का कारण, लेकिन अगर वो किसी का फ्रेंड नहीं है और किसी के साथ उसकी नहीं बनती तो साहब वही व्यक्ति उसके दुख का कारण। तो सुख और दुख बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। तो इस सब्जेक्टिवनेस के लिए अगर हम एक इनर हायर अवेयरनेस अपने अंदर डेवलप कर लें तो हम अपने आप को एक अवस्था में प्राप्त कर लेंगे जहां सुख और दुख के द्वंद्व से परे चले जाएंगे। ना तो सुख से होगा तात्पर्य, ना तो दुख से तात्पर्य होगा, मतलब ना तो सुख की प्राप्ति होगी ना दुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यहां पर कहा गया कि दुख के साथ जो संयोग है, दुख इस पंक्ति का, इस लाइन का साधारण अर्थ है कि दुख के साथ संयोग है। तो संयोग दो तरह का होता है, जो प्रॉब्लम के साथ हमारा कनेक्शन है, जो अटैचमेंट है, या तो हमने क्रिएट किया या नेचुरली है। ये कहते हैं कि 99% जो प्रॉब्लम के साथ हमारा कनेक्शन वो हमने क्रिएट किया, क्योंकि किसी भी चीज को, जैसे हम एक उदाहरण की ले ले, आपके पास एक मोबाइल है, अब मान लीजिए आपके हाथ से आपका मोबाइल नीचे गिर गया तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, क्या था अभी तो मोबाइल टूट गया। अब आपके बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ में मोबाइल था, उसका मोबाइल नीचे गिरा, टूट गया, लेकिन आपको दुख नहीं। तो कहते हैं कि जब हम किसी के साथ अपना तादाद में अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि साहब मेरा है, दिस इज माय, तो फिर क्या होगा?
उसके अनुकूल होने पर अगर वो हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करेगा तो हम सुखी रहते हैं, और जैसे वो प्रतिकूल हुआ वैसे हम दुखी हुए। तो उन्होंने कहा कि योग अपने आप को एक न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने आप को एक स्टेबलाइज करने की प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया क्या है तो उसको कहते हैं दृष्टा भाव को प्राप्त कर लेना, हायर लेवल ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस। अब चलते हैं, यहां तक हमने देखा कि योग को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फिर योग की और भी कुछ बहुत प्रसिद्ध परिभाषाएं हैं, आप सब जानते हैं समत्वम योग उच्चते और योगः कर्मसु कौशलम्। इन दोनों योग की परिभाषाओं को आगे मैं कर्मयोग में समन्वित करूंगा कि ये किस प्रकार की परिभाषा है और इनका कर्मयोग से कैसे संबंध। तो अभी तक के व्याख्यान में हमने दो बिंदु समझा। एक बिंदु तो ये समझा कि भगवद गीता योग का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें योग के चार प्रकारों का वर्णन है। दूसरा, भगवद गीता में योग किस रूप में परिभाषित किया गया, तो ये योग मन को प्रबंधित करने की प्रक्रिया है एक, योग मन की प्रबंधित अवस्था है दो, योग दुखों से मुक्ति की एक अवस्था है जिसको हमने दृष्टा भाव के रूप में जाना। अब हम चलते हैं जो चार प्रकार के योग हैं उनको समझने का प्रयास करते। इन चार प्रकार के योगों में जो भगवद गीता में सबसे स्टार्टिंग में आता है वो है कर्मयोग। कर्मयोग का जो फिलॉसफी है या जो कर्मयोग की थ्योरी है वो एक ही श्लोक में कंक्लूड कर दी गई है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगोस्तो कर्म। अब इसमें पूरा का पूरा कर्मयोग का दर्शन समाहित है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगोस्तो कर्म। अर्थात कर्म करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, एवरीबॉडी इज फ्री टू एक्ट। सेकंड, मा फलेषु कदाचन, बट रिजल्ट पे हमारा 100% कंट्रोल नहीं है। मा कर्म फल हेतुर्भुर, अगर हमारा रिजल्ट पे 100% कंट्रोल नहीं है इसका मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका 100% कारण भी हम नहीं है। माते संगो उस कर्मणि, हमें कभी कर्म करना छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब कर्मयोग का जो पूरा का पूरा दर्शन है वो कर्म के इर्द गिर्द है। तो जब आप कर्म शब्द को लेके आते हैं तो कर्म शब्द के साथ दो चीजें और आ जाती है, एक संस्कृत का शब्द है कर्ता और दूसरा है फल। कर्ता, तो जो कोई भी व्यक्ति कर्म करेगा वो कर्ता है, दैट कॉल्ड द डूअर। और जब भी आप कर्म करेंगे तो उसका कोई ना कोई फल जरूर आएगा, आप कुछ भी करिए उसका रिजल्ट आना ही आना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या है, आप सुन रहे हैं, अगर आप सही से सुन रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या, आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कर्म होगा तो दो चीजें निश्चित रूप से होंगी, एक तो कर्म को करने वाला व्यक्ति अ पर्सन और दूसरे नंबर उस कर्म का रिजल्ट। अब ये जो श्लोक है ये व्यक्ति को रिजल्ट को टारगेट करता है, कर्म को एक स्वाभाविक परिणति एक नेचुरल फिनोमेना है कि अगर व्यक्ति है तो कर्म करेगा ही करेगा। अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो कुछ ना कुछ एक्टिव वे में इनएक्टिव वे में सक्रिय या निष्क्रिय वे में कुछ ना कुछ मैं कर्म करूंगा। लेकिन क्या प्रत्येक कर्म जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो कर्मयोग की कैटेगरी में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कर्म और कर्मयोग में मूलभूत अंतर क्या है, इन दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है, तो उसको बताने के लिए कहा गया कि जो कुछ भी व्यक्ति के अधिकार में है उस तरह के अगर कोई कर्म करता है तो वो कर्मयोग की कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट सिर्फ ये कंडीशन है, अगर कोई व्यक्ति इन टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो कर्मयोग की कैटेगरी में है। एक कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं आप वो करें, वट एवर इज पॉसिबल जस्ट डू इट फर्स्ट। सेकेंड, जैसे ही आपने कर्म किया तो इमीजिएटली मनुष्य का स्वभाव होता है कि साहब हमने ये कर्म कर दिया इसका रिजल्ट क्या होगा। तो डोंट बी एंशियस अबाउट द रिजल्ट कि आपने जो कर्म किया उसका क्या रिजल्ट आएगा, ये आपको कर्म करने के बाद नहीं सोचना। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, कर्म करने के बाद नहीं सोचेंगे लेकिन हम कर्म ही तब करते हैं जब हमें श्योर हो के साथ ये करने से ये रिजल्ट आएगा। जब हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट ही तब करते हैं जब हमें रिटर्न पता हो के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये रिटर्न आएगा। लेकिन जैसे जब हम शेयर मार्केट में जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि साहब ये मार्केट के ऊपर है, मतलब इतना भी आ सकता है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। तो ऐसे कर्म की भी गति है कि कर्म इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके बाद कितना रिटर्न आएगा कोई श्योरिटी नहीं। तो जब श्योरिटी नहीं है तो हम कहते हैं हम कर्म क्यों करें, उसके पीछे एक आ गया कि आपका कर्म करना स्वभाव है, कर्म तो आप करेंगे करेंगे
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप करेंगे करेंगे। तो फिर इसको एक टेक्निकली डिफाइन किया गया कि जो आपकी डिफाइंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उसको करें, हर व्यक्ति की हर उम्र में हर देश काल स्थान में डिफाइंड ड्यूटीज है कि साहब इस समय आपको ये करना है। तो यहाँ कर्म से तात्पर्य जो भी आपके कर्तव्य और उत्तरदायित्व है उनको आप करें, एक दूसरा उनको इसलिए ना करें कि क्योंकि आपको एक पार्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमेशा डिजायर रिजल्ट नहीं आया। तो चूंकि ये आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसलिए आप इसको करें, ना कि इसका कोई एक आउटकम, निश्चित आउटकम, आउटकम तो आएगा। मैंने कहा ना कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन वो ज्यादा भी मिल सकता है कम भी मिल सकता है, लेकिन इतने परसेंट रिटर्न मिलेगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो फिर तो नहीं। तो यहाँ पे कहा गया जो भी आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप इसको फुलफिल करिए, रिजल्ट के बारे में आप चिंतित ना होइए, रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा संकुचित मत होइए, और साथ में जो कुछ भी रिजल्ट आता है उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करिए। तो जैसे जो कुछ भी रिजल्ट आएगा अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो यहीं पे कर्म और कर्म योग में अंतर है। कर्म का मतलब होता है हमने कोई भी कर्म किया, कोई भी एक्शन किया, उसके बाद हमें अगर डिजायर रिजल्ट मिला तब तो हम मानते हैं कि हमने किया, और नहीं मिला तो हम समझते हैं कि हमसे तो कोई कर्म ही नहीं हुआ। यहाँ पे कहा गया कि आपके कंट्रोल में था कर्म करना, आप उसको अपने बेस्ट वे में दीजिए और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आया ना उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये जो एक्सेप्टेंस की पावर है, इसी एक्सेप्टेंस के पावर के कारण कर्म और कर्मयोग में डिफरेंस आता है। अगर सक्सेस हुए तो भी उसको एज इट इज सेम मेंटल स्टेटस के साथ एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर वो फेलियर के फॉर्म में आए तब भी उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और थर्ड जो कहा इन्होंने, माँ कर्म फल हेतुर्भूत, कि अल्टीमेटली अपने आप को आप कॉज मत मानिए। अगर आप सक्सेस भी हो गए तो यू आर नॉट द अल्टीमेट कॉज, अगर आप फेल हो गए तब भी आप अल्टीमेट नहीं, मतलब यू आर नॉट मेयरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स। और लास्ट में माँ संगोष्ठ कर्म, तो जो भी आपके असाइन ड्यूटीज है उनको किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में उसको नहीं छोड़ना। तो इसी को हम लोग सिंपली कहते हैं जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, कि जो कुछ भी आप कर सकते हो उसको बेस्ट करिए, और बाकी क्या होगा नहीं होगा जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट इज द कंक्लूजन ऑफ द कर्म योग। अब जो यहाँ पे ये बात कही गई ना कि हम कर्म करेंगे और उसके बाद रिजल्ट जो है वो डिजायर रिजल्ट आ भी सकता नहीं भी आ सकता, तो क्यों, तो उसके पीछे गीता का एक बहुत गहरा दर्शन है, बहुत गहरा विज्ञान है कि किसी भी कर्म जब होता है उसके बाद जब वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसमें 5 फैक्टर इन्वॉल्व है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। मतलब 5 चीजें कही गई, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। तो सबसे पहले अधिष्ठान का मतलब समझे, तो अधिष्ठान का मतलब होता है पार्टिकुलर प्लेस जहां पर कोई भी कर्म किया गया। कर्ता मीन्स वो व्यक्ति जिसने उस कर्म को किया। करण मीन्स हेल्पिंग टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स। चेष्टा मेंटल स्टेटस है ना, मानसिक अवस्था। और दैव हमारे पहले के कर्म कैसे थे, अर्ली कर्म। ये 5 चीजें जब मिलती हैं तो अगर ये 5 अनुकूल है, सही प्लेस पे, सही पर्सन ने, सही इंस्ट्रूमेंट का यूज करके सही मेंटल स्टेटस से काम किया, तो अगर ये 4 चीज प्लस दैव मतलब उनके पहले के कर्म भी ठीक रहे तो उनका रिजल्ट अनुकूल आता है, और इसमें से कोई भी एक प्लस एंड माइनस हुआ तो प्रतिकूल आता है, रिजल्ट तो आता है। जैसे आपने एग्जाम दिया और आपको पासिंग मार्क्स 40 चाहिए और आपका रिजल्ट आ गया 38, तो आदमी कहता हमने तो एग्जाम दिया कुछ रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट तो आया ना, भले फेल के सेंस में, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक कारण रहता है जिसको आप कंट्रोल नहीं करते। इन 5 फैक्टर्स में से जो हमारे एक्शन रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं, हम कर्ता के अलावा और किसी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, ना आप प्लेस को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप चेष्टा को बहुत ज्यादा कंट्रोल, लेकिन कर्ता एक ऐसा जिसको मतलब आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके 100% गारंटी। तो कंक्लूजन के रूप में ये है कि जो कुछ भी आपके उत्तरदायित्व या कर्तव्य है उनको पूर्ण निष्ठा और समर्पण से करना, यही कर्मयोग का संदेश है। और कब तक करना, तो माँ संगोष्ठ का कर्मणि थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन करना। ये नहीं कि साहब हमने इतने दिन कर लिया अब नहीं करेंगे, इतने दिन तक तो हम बहुत डेडिकेटेड वर्कर रहे, डेडिकेटेड एम्प्लॉय रहे, डेडिकेटेड स्टूडेंट रहे, नहीं, थ्रू आउट द लाइफ। अब इस कर्म योग का जो दर्शन है प्रैक्टिस में, तो कहते हैं कर्म योग के दर्शन में 2 जो योग की डेफिनेशन है,
मैंने अभी आपसे कहा था कि आगे मैं आपको बताऊंगा, समत्वम योग उच्चते और योग कर्मसु कौशलम, अगर इनको हम जोड़ दें तो हम एक सारांश पा सकते हैं। तो सबसे पहले कर्म योग शब्द में, कर्म शब्द हमने देखा था, तो कर्म और कर्म का फल, तो कहते हैं कर्म में आप जोड़ दीजिए योग कर्मसु कौशलम और फल में जोड़ दीजिए समत्वम योग उच्चते। ये दूसरे अध्याय के दोनों डेफिनेशन है। तो कहते हैं कर्म में हमने क्या करना है, तो कर्म को किस दर्शन से जोड़ देना, योग कर्मसु कौशलम, कि जो भी आपका काम है उसको आप बहुत परफेक्टली करें, जस्ट डू योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी परफेक्टली, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा समत्वम योग उच्चते, आप कितने भी परफेक्टली कितने भी स्किल्ड होकर के आप काम कर लीजिए, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को एज इट इज एक्सेप्ट करने की एक मेंटल आपके पास एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और उसी को आगे सम मतलब किस में, तो सक्सेस और फेलियर में, ये दो ऑप्शन, अब सक्सेस को अप मानते हैं और फेलियर को डाउन, तो इनके बीच में एक बैलेंस बना लेना। तो अगर हमने परफेक्शन इन एक्शन एंड बैलेंस अप्रोच टूवर्ड द रिजल्ट हमारा एटीट्यूड रहा, तो एनी कर्म कैन बी कॉल्ड द टेक्निकली कर्मयोग। तो कर्मयोग के लिए दो कंडीशन है, एक शुड बी परफेक्शन इन एक्शन, इतना परफेक्शन कि आप अपने आप को ही क्रॉस एग्जामिन करें तो आप ये ना कहें कि नहीं साहब इसको मैं और अच्छे से कर सकता था, दैट हायर लेवल ऑफ परफेक्शन, उस लेवल का एक्सीलेंस आपके कर्मा में होना चाहिए, और जो भी रिजल्ट आए तो बैलेंस अप्रोच टूवर्ड द रिजल्ट, बिकॉज आइडेंटिटी सक्सेस और फेलियर ये दोनों नेचुरल फेनोमेना है। मैंने बात की ना कि अगर आप बहुत स्किल्ड भी है, आज टेक्नोलॉजी का भी हम फेलियर देखते हैं, किसी भी चीज की जो एक्यूरेसी है बहुत हायर हुई तो 99 पॉइंट, लेकिन उससे भी कम, मतलब 99 पॉइंट होने के बाद भी तो 1% चांसेस है वहां फेलियर होगा, डिजायर रिजल्ट नहीं आएगा, इसका मतलब क्या करें, कर्म करना छोड़ दे, तो नहीं। सो द कंक्लूडिंग रिमार्क इज द परफेक्शन इन एक्शन एंड बैलेंस अप्रोच टूवर्ड द रिजल्ट इज द फिलॉसफी एंड द एसेंस ऑफ द कर्म योग। तो इस तरह से, तो जिसको हम कहते हैं ना कि योग हम 24 घंटे अपनाए, तो कौन सा योग, तो कर्म योग, क्योंकि आप अलग 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 कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, कुछ शरीर के प्रति आपके कर्तव्य हैं, कुछ मन के प्रति हैं, कुछ माता पिता के प्रति हैं, कुछ समाज के प्रति हैं, कुछ राष्ट्र के प्रति, तो अलग अलग रोल में हम अलग अलग टाइम पे अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। तो उसमें जितना भी एक्सीलेंस हम अचीव कर सके अपने एक्शन वो करें, और जो भी रिजल्ट आए उसमें हम एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चले, तो हम कर्मयोग की फिलॉसफी को थ्रू आउट द डे अडॉप्ट करें। दूसरे नंबर का जो योग है, दैट इज द ज्ञान योग, भगवत गीता में जाए तो ज्ञान योग के कुछ मेजर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो जैसे हम कहते हैं ज्ञान योग, तो अगर कोई व्यक्ति कोई भी पुस्तक पढ़ रहा होता है तो क्या कर रहे हैं, तो हम ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं। तो ज्ञान योग को बहुत क्रिटिकली समझने की आवश्यकता है। यहाँ ज्ञान योग में ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मतलब द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, आपका जो मूल स्वरूप है, जो इनविजिबल है, जो हिडन है, उसका ज्ञान एकत्रित करना ज्ञान है। आत्मज्ञान मतलब द नॉलेज ऑफ सेल्फ इज द हाईएस्ट नॉलेज। तो ज्ञान योग में ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक आउटर वर्ल्ड का नॉलेज, एक इनर वर्ल्ड का नॉलेज। तो जब हम आउटर वर्ल्ड का नॉलेज अक्वायर कर रहे हैं तो वो क्या है, तो वो ज्ञान योग की कैटेगरी में नहीं आता, वो किस कैटेगरी में आता है, वो कर्मयोग की, मतलब संसार जितना भी हमको ज्ञान होता है वो सब कर्मयोग की कैटेगरी में। तो ज्ञान योग की कैटेगरी में कौन सा ज्ञान आएगा, तो ज्ञान योग की कैटेगरी में आता है आत्मज्ञान, जो इंटरनल वर्ल्ड का नॉलेज है, जो अपनी चेतना का, अपने मूल स्वरूप का जो ज्ञान है, जो दृष्टा का ज्ञान है। एक तो दृश्य का ज्ञान होता है, जो दिखाई दे रहा है उसका हम ज्ञान एकत्रित करते हैं, तो जो दृश्य का ज्ञान है वो सारा ज्ञान क्या, वो सब कर्मयोग की कैटेगरी में आता है। ज्ञान योग में किसका, जो दृष्टा है, जो देख रहा है, मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं तो आपके अंदर करने वाला कौन है, जिसका भी आपको ज्ञान हो रहा है, किसको ज्ञान हो रहा है। तो हम सामान्यता कहते हैं मन को हो रहा है, बुद्धि को हो रहा है, सेंसेस को हो रहा है, लेकिन दो वर्ड संस्कृत में और गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम नोइंग दैट आई एम नोइंग, मैं जान रहा हूं कि मुझे ज्ञान हो रहा है। आई एम द नोअर ऑफ द नोइंग, मुझे ज्ञान हो रहा है इसका ज्ञाता मैं हूं, ऐसा मुझे ज्ञान हो रहा है। ज्ञान योग का तात्पर्य द नॉलेज ऑफ सेल्फ। भगवत गीता कहती है कि जीवन का सबसे अगर हाईएस्ट अचीवमेंट कुछ है तो दैट इज द आत्मज्ञान। मैंने आपको शुरू में इस बात को रखा था
तो नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते तस्त्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। अब यहाँ पे ज्ञानेन से ज्ञान और योग संसिद्धा से योग शब्द लेकर के ज्ञान योग का दर्शन। उन्होंने कहा कि सबसे पवित्र क्या है, सबसे प्योर क्या है, सबसे पॉजिटिव क्या है, सबसे प्रोटिव क्या है, तो उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान। किसका ज्ञान? अपने स्वयं का ज्ञान। और वो स्वयं कौन है? तो दृष्टा, जिसको सारे तरह के ज्ञान हो रहे हैं। फिर आखिर उस ज्ञान को हम प्राप्त कैसे करें? उसके लिए उन्होंने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। तो ज्ञान का जो उपाय है वो क्या है? श्रद्धा। अब देखिए यहाँ पर हम सामान्य तौर पे कोई भी ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए श्रद्धा चाहिए, काइंड ऑफ फेथ, अ काइंड ऑफ डेडिकेशन, काइंड ऑफ डिवोशन, अ हायर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। श्रद्धा का मतलब है हायर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो हायर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? तो जिसको हम हाइपोथीसिस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, समथिंग बियॉन्ड है, तो हमारा अपना जो असेसमेंट है वो यहीं तक आकर के रुक जाता है। क्योंकि मन का हमें अनुभव होता है कि आप मन है, बुद्धि का भी हमें अनुभव होता है, लेकिन इन दोनों का जो अनुभव कर रहा है उसका हमें कोई अनुभव नहीं। इसके पीछे भी एक तत्व है जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं। इस प्रकार की स्वीकृति ही श्रद्धा है। और जिस दिन हमने ये स्वीकार कर लिया कि कोई एक तत्व है जो इन सबको संचालित कर रहा है, इन सबको मेंटेन, इन सबको गवर्न कर रहा है, तो उसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है। वही कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। और जिस दिन हमें वो ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण आदि गच्छते। जिस दिन हमें ज्ञान प्राप्त हो गया ना, आत्म ज्ञान प्राप्त हो, क्या होगा? विद इन अ सेकेंड हम उस हायर लेवल ऑफ पीस, हायर लेवल ऑफ पॉजिटिविटी, हायर लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हायर लेवल ऑफ ब्लिस को इमीडिएटली अचिरेण अधिगच्छते, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हमें क्या होगा? पूरे ब्रह्मांड, क्योंकि सब एक ही चीज की तो खोज कर रहे हैं, सुख और शांति की। तो कहते हैं अगर शांति मिल जाए तो सुख स्वाभाविक रूप से मिल जाए। उसका जो सूत्र है वो सूत्र क्या है? आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। तो ज्ञान योग का एसेंस है कि अपने आप को जाने, और फिर उस जानने के लिए संयम चाहिए हमें, श्रद्धा चाहिए हमें, गुरु चाहिए, ग्रंथ चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें विस्तार में कही गई। अगले प्रकार का जो ज्ञान है, अगले प्रकार का जो योग है, दैट इज द भक्ति योग। ये भी भगवद गीता में बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत प्रमुख रूप से इसको एक्सप्लेन किया गया है। भक्ति योग को हम सामान्य तौर पे कहते हैं कि अगर भावनाओं का प्रबंधन करना, अपने इमोशंस का मैनेजमेंट करना है, तो हमें भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। तो भक्ति योग क्या है? भावनाओं की अभिव्यक्ति। अब भावनाओं की अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशंस ऑफ द इमोशन। अब बहुत बार हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं और बहुत बार हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि भावनाओं को पूर्णतः अभिव्यक्त करने की जो प्रक्रिया है वही भक्ति है। और जब हम उस अभिव्यक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि उसमें हमें आत्म आनंद की अनुभूति होने लगी, मतलब वो सेल्फ रियलाइजेशन तक अब पहुंच गया, वही भक्ति योग। अब भक्ति योग में भगवद गीता का जो दर्शन वो कहता है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तो एवं आत्मानं मत परायण। तो भक्ति योग का मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड को अपना भिन्न अंग मानना, मन मना भव, एक्सेप्ट दिस एंटायर यूनिवर्स एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल्फ, कि ये व्यक्ति का ही अभिन्न अंग है। और उसके बाद क्या होगा? जैसे हम ये मान लेंगे कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही हमारा अभिन्न अंग है, तो हमारे व्यवहार में स्वाभाविक रूप से परिणति आ जाएगी। वो परिणति क्या हो जाएगी कि जो नैरोनेस ऑफ माइंड है, जो डिस्क्रिमिनेटिव माइंड, जो डिस्क्रिमिनेटिव माइंड की जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज ब्रेक हो जाए और व्यक्ति भावनात्मक रूप से उदार हो जाए। आज हम जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो हम सतर्क रहते हैं कि ये मेरा अपना फ्रेंड है कि नहीं, इसको मैं कोई बात बताऊंगा तो ये बात को डाइजेस्ट कर जाएगा या किसी को बता देगा। हम हर व्यक्ति के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि देयर इज अ काइंड ऑफ फियर। लेकिन अगर हर व्यक्ति मेरा है, अगर हर व्यक्ति पे मेरा फेथ है, हर व्यक्ति पे मेरा ट्रस्ट है और मैं सबसे अपनी बातें कह पा रहा हूँ, तो आज जब हम मनोविज्ञान या मनोशास्त्र में जाते हैं तो जो मानसिक बुद्धियां हैं वो सारी मानसिक बुद्धियां व्यक्ति के अंदर जन्म ही नहीं लेंगी। तो जितनी भी भावनाएं हैं उन भावनाओं को सकारात्मक रूप से अभिव्यक्त करने की जो प्रक्रिया है वो भक्ति है। फिर भक्ति के भी बहुत सारे प्रकार हैं। सामान्यतः भक्ति के दो प्रकार की चर्चा होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति का मतलब जो एक भक्ति
मध्यकालीन भारत में एक भक्ति आंदोलन चला, और भक्ति आंदोलन का जो सबसे सरल प्रक्रिया थे, उस अभ्यास का जो सबसे सरल रूप था वो था भजन। तो भजन क्या है कि अपने संवेदनाओं के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा उस ईश्वर के प्रति, उस सुप्रीम के प्रति अपने शब्दों के द्वारा उसको अभिव्यक्त करना। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में उस सुप्रीम रियलिटी के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, तो दैट कॉल द सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति क्या है, जब हम 24 घंटे इस अखिल ब्रह्मांड को ईश्वर का रूप मान करके अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, दैट कॉल द निर्गुण भक्ति। तो भक्ति योग का यही संदेश है कि ये पूरा जो दिखाई देने वाला विजिबल इनविजिबल वर्ल्ड है, ये सिंगल यूनिट है और ये हमारा ही अपना एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो हमें उसी तरह से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहिए, हमें उसी तरह से अपने आप को व्यापक चिंतन के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर व्यापक करना। नेक्स्ट जो चौथा है, जिसको हम ध्यान योग या जिसको सांख्य योग की परंपरा का योग कहा गया, उस योग में दो तरह की चीजें हैं। जब हम जिस योग को आज वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ है, महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, तो इसके दो रूप हमें मिलते हैं, दो स्टेप मिलते हैं। एक तो है सेल्फ मैनेजमेंट का, जिसको हम कहते हैं अपना लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, और दूसरा है सेल्फ अपग्रेडेशन सर्टेन प्रैक्टिस, जो आज हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि जो सब करते हैं, सब ध्यान योग के अंग हैं। और तो ध्यान योग को भगवद गीता ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो है मैनेजमेंट ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ लाइक द फूड, स्लीप, थॉट्स, एक्शनस, एक्सरसाइज वगैरह, तो उसी के लिए कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर आपको योग का अभ्यास करना तो जो आत्मिकता है जिसके आधार पे हम जीवित हैं, तो आहार है, निद्रा है, व्यायाम है, उसके बाद चेष्टाएं, हमारे अलग अलग विचार, विश्वास इत्यादि, और हमारे कर्म। तो उन्होंने कहा कि योग का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इन पांच तत्वों को प्रबंधित करना, तो जो हमारा फूड हो मॉडरेट हो, जो हमारी स्लीप हो वो भी मॉडरेट हो, फिर जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी है जिसको हम एक्सरसाइज या व्यायाम या विहार या अम्यूजमेंट कहते हैं, वो सब भी हमारा मॉडरेट हो, और साथ में क्या मॉडरेट हो, तो हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ, हमारे इमोशंस, हमारे इमेजिनेशन, हमारी मेमोरी, ये सब मैनेज हो। मैनेज मतलब कि ये हमारे हमारे अपने लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, मतलब भोजन हमारे लिए अपने लिए दुखदायी ना हो, इतना हम भोजन कर ले, इतना ज्यादा इतना कम कि हम अपने बॉडी को मेंटेन ना कर पाए, स्लीप हम इतनी ज्यादा इतनी कम ले पा रहे हैं कि हम अपने बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन उनको ना कर पाए, एक्सरसाइज हम इतनी ज्यादा भी ना करें, इतनी कम भी ना करें, मतलब बिल्कुल ना करें तब भी बॉडी सही से मेंटेन नहीं होगी, और इतना ज्यादा कर लें कि हमेशा एग्जॉस्टेड रहे तो वो भी सही नहीं, और चौथा अपने ऐसे विचार ही ना आने दे जो विचार हमारे लिए किसी भी प्रकार के कष्टकारी है, ऐसी कोई स्मृति जिसको बैड मेमोरीज कहते हैं वो ना रखें। तो उसी को कहा गया युक्त आहार एक, युक्त निद्रा दो, युक्त विहार तीन, युक्त चेष्टा चार, और पांचवा जो भी अपने समाज में, राष्ट्र में, घर में जो भी अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व, सबके प्रति जागरूक रहे और समर्पित रहे, अवेयरनेस एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया ध्यान योग का पहला है कि अगर इतना जिसका मैनेज है वो ध्यान योग में आगे जा सकता है। आगे का जो अभ्यास है वो ध्यान का अभ्यास है। तो ध्यान के दो पार्ट है, एक प्रिपरेशन का पार्ट है, दूसरा ध्यान के अभ्यास का पार्ट। तो प्रिपरेशन के लिए एक पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर योगा मैट, पार्टिकुलर बॉडी पोस्चर, पार्टिकुलर पैटर्न ऑफ द ब्रीदिंग, पार्टिकुलर लेवल ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, तो जिसको हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब कहते हैं। और फिर जो ध्यान की विधि है भगवद गीता में कही गई है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्या चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नाशाभ्यांतर चारणौ। जब हम ध्यान में बैठे तो उस समय ध्यान के अभ्यास के समय क्या करना है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्या, मतलब हमारी आंखें बंद हो, हमारा पूरा जो ध्यान है, जो हमारी अवेयरनेस है, अटेंशन है, वो हमारे दोनों भ्रुवों के मध्य में, प्राणापानो समोकृत्व, हमारी जो श्वास है वो एक रिदम में चले, लंबी गहरी श्वास हो, नासाभ्यंतर चारिणो। तो जब हम इस स्वरूप में हम बैठते हैं और ध्यान को और सरल में कहें तो जस्ट सिट साइलेंटली एंड बी अवेयर, मतलब शांत बैठ करके, शांत और सजग अगर हम बैठ जाते हैं तो सरल शब्दों में यही ध्यान है, और इस ध्यान के द्वारा ही हम धीरे धीरे
अपने पर्सनालिटी के, अपने एग्जिस्टेंस के डीपर एस्पेक्ट को हम एक्सपीरियंस करते हैं और धीरे धीरे यही हम समाधि की तरफ चले जाते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं होलिस्टिकनेस। जो हम एक इंडिविजुअल है तो हम एक यूनिवर्सल लेवल तक अपने आप को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ अभ्यास बताए। कंक्लूडिंग रिमार्क, हम भगवद गीता से क्या चीजें, अगर हम आज के लेक्चर से दो चीजें लेके जाएं तो क्या है, तो दो चीजें ये है, असोच्या नन्व सोचस्तम प्रज्ञा वादाश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानु सोचन की पंडिता। तो भगवद गीता का जो आरंभ होता है शोक और मोह से आरंभ होता है। जब अर्जुन शोक और मोह से ग्रसित है तो वो अपने जो आनंद की अवस्था उसको भूल गया। तो शोक क्या है, तो अपने पास्ट से अटैच रहना। मोह क्या है, तो अपने फ्यूचर से अटैच रहना। आनंद क्या है, तो जस्ट बी ए प्रेजेंट। तो अर्जुन अपने शोक और मोह से अटैच है। तो शोक मतलब कि उसके सारे रिलेटिव उसके सामने खड़े, मोह मतलब युद्ध में ये सब मारे जाएंगे, इसलिए वो वर्तमान में जो उसका एक कर्म है, जो उसका कर्तव्य, उसको नहीं कर रहा। तो व्यक्ति अगर शोक और मोह से परे की अवस्था में चले जाए और आनंद का अभ्यास करे, मतलब प्रैक्टिस जस्ट टू बी एट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि वर्तमान ही सब कुछ है, वर्तमान ही एक समय भूत बनेगा और वर्तमान ही और मतलब आने वाला जो भविष्य वो भी वर्तमान में ही कन्वर्ट होगा। तो शोक और मोह से परे जा करके हम आनंद की अवस्था में रहे, अर्थात भूत और भविष्य की चिंताओं और स्मृतियों से परे जा करके हम वर्तमान के आनंद का अनुभव करें। और दूसरा है उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मा। मीन कि हम अपने लाइफ में जो भी एफर्ट करें, मेंटल एफर्ट, वर्बल एफर्ट या फिजिकल एफर्ट, वो सारे कैसे हो, तो सेल्फ अपग्रेडिंग हो, कि हम कोई ऐसा विचार या ऐसा विश्वास ना रखें जो हमारा पतन करे, कोई ऐसा शब्द ना बोले जो डिस्ट्रक्टिव हो, और कोई भी ऐसा एक्ट रिएक्ट इंट्रैक्ट ना करे जो हमें डिग्रेड करे। तो कंक्लूडिंग वे में जस्ट लीव द शोक, जस्ट लीव द मोह, बी एट प्रेजेंट एंड एंजॉय द लाइफ, दैट इज द आनंद। पुट ईच एंड एवरी एक्शन एट द लेवल ऑफ माइंड, एट द लेवल ऑफ वर्ड्स, एट द लेवल ऑफ बॉडी फॉर द सेल्फ अपग्रेडेशन एंड द बेटरमेंट ऑफ द यूनिवर्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने प्रेम से इन सारी बातों को सुनने के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कमेंट सेक्शन में बहुत से प्रश्न हैं, अगर आपको मति हो तो हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि कृपया वैराग्य के विषय में कुछ और बता सके तो विस्तार से बताएं। तो जी, वैराग्य शब्द राग से बना है। तो राग का मतलब होता है जगत के प्रति, आउटर वर्ल्ड के प्रति एक आकर्षण आसक्ति, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अट्रैक्शन अटैचमेंट एंड एडिक्शन टूवर्ड द आउटर वर्ल्ड, इसको हम कहते हैं राग। अब आउटर वर्ल्ड का तात्पर्य यहाँ अपने शरीर से भी है और जो बाहरी दुनिया हम पंच ज्ञानेंद्रियों से जिसका ज्ञान करते हैं उसके भी प्रति। तो अगर हम इसी में रहे, सिर्फ बाहरी दुनिया को, आउटर वर्ल्ड को ही एकमात्र अगर हम रियलिटी माने, उसी को एकमात्र हम आस्पेक्ट समझे, तो प्रॉब्लम क्योंकि जो हमारा इनर मोर कॉन्सेप्ट, जो आस्पेक्ट है हमारा, जो हमारे व्यक्तित्व का मूल स्वरूप है, जिसको हम चेतना या आत्मा कहते हैं, उससे हम अनभिज्ञ रहे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि राग के अपोजिट जाइए। तो राग के अपोजिट क्या है, तो वैराग्य। तो वैराग्य क्या है, कि आप बाह्य जगत से आकर्षित ना हो, बाह्य जगत से आसक्त ना हो। तो क्या करें, हम बाह्य जगत का त्याग कर दे, तो नहीं, जस्ट बी न्यूट्रल, जस्ट बी द ऑब्जर्वर, और मतलब बाह्य जगत के प्रति एक दृष्टा भाव डेवलप करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम व्यापक अर्थ में कहते हैं वैराग्य। एक प्रश्न है कि हम जो होते हैं वो कर्मों से अटैचमेंट हमारा खत्म नहीं होता, लेकिन ऐसा क्या हम करें कि हम कर्म से अटैचमेंट हमारा खत्म हो जाए, थोड़ा सा हम डिटैच हो सके। क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, पर कितने भी बड़े योगी हो पर हमारा फल की चाह या फल की आसक्ति हमारे अंदर बनी रहती है, तो उसके विषय में अगर आप कुछ बता सके तो। बिल्कुल,
कोई भी हम कर्म करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन का इस प्रकार का अभ्यास है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते ही होते हैं। तो सबसे पहले कि हम कर्मों की आसक्ति का त्याग कर दे तो नहीं, जब तक जीवन है तो जीवन के निर्वाह के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। लेकिन वो कर्म हम दो भाव से कर सकते, एक तो क्लिष्ट वृत्ति से और दूसरी अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति से अर्थात दुखी होकर के जो भी कर्म कर रहे हैं, हर कर्म में हम परेशान है, किसी भी कर्म का हम आनंद नहीं ले रहे। दूसरा है अक्लिष्ट वृत्ति। अक्लिष्ट वृत्ति के अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का अगर हमें आभास है, उसका उसके प्रति हमारी अवेयरनेस है और उसको हम पूर्ण समर्पण से करें, तो कर्म की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का आनंद लें, तो हम उससे धीरे 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 विस्मृत हो जाएंगे। जैसे कि अगर कोई क्रिकेटर है, अगर वो क्रिकेट खेल रहा है, अब वो कहे कि मुझे सेंचुरी बनाना है और इस पे ही फोकस करे कि सेंचुरी, तो नहीं, उसको क्या करना, कर्म की प्रक्रिया के जिस भी गेंद को खेला उसको जो भी बेस्ट उस गेंद के लिए प्लेसमेंट है, अगर उस पर ध्यान देगा तो स्वाभाविक रूप से उसका जो फल होगा वो तो सर्वोत्तम ही आएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको समझ सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे सभी दर्शकों को इतना सुंदर व्याख्यान देने के लिए। और मुझे लगता है कि ये जो व्याख्यान है, ये आगे के वर्षों में भी इस व्याख्यान से बहुत सारे लोग ऐसे बिंदु ग्रहण करके जा रहे होंगे जो उनके मस्तिष्क में छप गए होंगे, उनको याद रहेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर ईश्वरी बसव रेड्डी सर का भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनकी वजह से हम इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं और हमें हमारे संस्थान के ही फैकल्टी मेंबर्स को सुनने का अवसर मिल पाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तकनीकी टीम के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद और हमारे सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद। अब संस्थान की परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ करेंगे। सर्वे वन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः आपका बहुत धन्यवाद अर्पित सर।